हेलो लर्नर्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इमेज ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की गई है। अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें हौसला मिलता रहे इस तरह के और वीडियो बनाने का। तो आइए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। वेलकम टू डेली डोज ऑफ आवर एनवायरनमेंट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओजोन परत की खोज किसने की और कब की? ओजोन परत की खोज 1913 में फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के यूवी प्रकाश को जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है को अवशोषित कर लेती है वो क्या है? वो है ओजोन। दोस्तों, ओजोन ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है और इसे O3 के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तापमंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है। तापमंडल के दो उपमंडल हैं, आयन मंडल और आयतन मंडल। तापमंडल का निचला भाग आयन मंडल है। विद्युत आवेशित कण जिन्हें आयन कहते हैं पाए जाते हैं आयन मंडल में। उपग्रह आयन मंडल में स्थापित होते हैं। मौसम संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल, नंबर 4 ताप मंडल और नंबर 5 वायुमंडल। क्षोभ मंडल में वायु का तापमान प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है। ग्रीन हाउस गैसों का उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि है। दोस्तों, जेट विमान समताप मंडल में उड़ते हैं क्योंकि वहां पर मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं होती नहीं, जिसकी वजह से उनको उड़ने में कोई रुकावट नहीं होती। दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।